नमस्कार, मैं शशि मिश्रा। मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ओरियो आइसक्रीम बनाकर दिखाऊंगी। लॉकडाउन के चलते हमें मार्केट में आइसक्रीम नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना हम घर में इसको आसानी से बनाकर खा लें। तो चलिए हम देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या लेना है। तो मैंने यहाँ पर लिया है व्हिपिंग क्रीम, फ्रेश क्रीम नहीं है। फ्रेश क्रीम से मैंने पहले भी आइसक्रीम बनाकर आप लोगों को दिखाया है। तो यहाँ पर मैंने कप से 2 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है और इसी कप से 1 कप मैंने कंडेंस मिल्क लिया है और 1 टीस्पून वनीला एसेंस लिया है मैंने और 12 ओरियो बिस्किट लिए हैं मैंने और 4 अलग से लिए हैं गार्निश करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसको बिस्किट को क्रश कर लेते हैं। कप आप इससे 1 कप कंडेंस मिल्क और इसी कप से 2 कप व्हिप क्रीम ले सकते हैं और जो चाय का चम्मच होता है उस चम्मच से 1 चम्मच वनीला एसेंस ले सकते हैं। तो इसलिए आप मेजर करके अगर बनाते हैं आइसक्रीम तो बहुत ही अच्छे से आइसक्रीम आप बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्रश कर लेंगे और 1 राउंड ही हमें चलाना है इसको। हो गया है, अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसको हम रखेंगे साइड में। अब हम क्रीम को व्हिप करेंगे। हम व्हिप्ड क्रीम को बीट करते हैं तो उसको बीट करने से पहले जो बर्तन है जिसमें आप क्रीम को डालकर बीट करेंगे उसको 30 मिनट के लिए फ्रीजर में रखना है। तो मैंने भी इसको 30 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया था और जो ये ब्लेंडर का ब्लेड है इसको भी मैंने 1/2 घंटे के लिए ही रखा था फ्रीजर में। अब मैंने इसको निकाल लिया है और एक बर्तन बड़ा लेंगे। इसमें मैंने 20-25 आइस क्यूब डाले हैं। अब इसके ऊपर ये बर्तन रखेंगे जिसमें हमें व्हिप क्रीम डालना है। अब ये हमारा रूम टेम्परेचर पर आ गया है क्रीम। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। और इसको हम अब अच्छे से ब्लेंड करेंगे, इस पर फेटेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर से फेटने में 3 से 4 मिनट लगते हैं बस और बिस्तर से 10 से 15 मिनट लगते हैं। चुके हैं बीट करते हुए। अब देखिए ये फ्लफी होने लगा है। अब 2 मिनट के लिए और इसे हम बीट कर लेंगे। मैंने अच्छे से इसको बीट कर लिया है तो हमारा ये जो मिक्सचर है अच्छे से बीट हो गया है, बिल्कुल फ्लफी। और ये देखिए पीक दिख रहे हैं। अब हम इसमें इसको हम साइड में रखेंगे और इसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। और इसको हम अच्छे से चला लेंगे और हमारा ये जाएगा इसमें वनीला एसेंस। डाल दिया है और वनीला एसेंस भी डाल दिया। अब 2 मिनट के लिए और हम इसे बीट करेंगे ताकि जो हमारा कंडेंस मिल्क है अच्छे से मिक्स हो जाए। हुआ बिस्किट ओरियो बिस्किट है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब इसको हम साइड में रख देंगे और दो हम लेंगे बोल और स्कूपर की सहायता से हम इसको आइसक्रीम को निकाल कर सर्व कर लेंगे। आइसक्रीम रेडी है। अगर आपकी आइसक्रीम की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।